सर्वोदय नमस्कार, माई सेल्फ मोहित राज, योर फिजिक्स टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू वर्क एनर्जी एंड पावर। हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर को डील कर रहे थे, तो लास्ट वीडियो में मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी का जो डिफिनेशन है वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को डील कर लिया था, इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डील करेंगे। आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by virtue of its position or shape or configuration is known as potential energy। जो भी energy possess होता है किसी भी object के shape, position या configuration से, उसे हम लोग potential energy कहते हैं। जैसे example में है, water store in a dam has potential energy due to its position। तो जो dam में water store है वो उसमें potential energy है, क्योंकि इसके position के कारण। a stone lying on the top of a hill or a mountain has potential energy due to its position। अगर कोई टॉप पे किसी माउंटेन पे कोई स्टोन रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण। स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। स्प्रिंग होता है ना, आप कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो, शेप उसका चेंज हो जाता है, तो शेप के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ए वाउंड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। तो इसमें भी शेप के कारण पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, पोटेंशियल जनरली हाइट से मेजर होता है। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू ए सर्टेन हाइट एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट एच। अब कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना किस हाइट एच पे, और मास क्या है एम है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच, तीनों का क्या होगा प्रोडक्ट हो जाएगा। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना कोई ऑब्जेक्ट मास एम और हाइट एच पर रखा है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो एम जी एच होगा, जहाँ पी ई पोटेंशियल एनर्जी है, मास एम है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है आपका हाइट है। ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। अब चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस बाय ए स्टोन ऑफ मास 10 केजी केप्ड एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक स्टोन है जिसका मास 10 केजी है, वो 5 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है, और जी का जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली जी 9.8 होता है, बट यह कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 लेनी है, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो जो पी होता है एम जी एच होता है, एम का वैल्यू 10 के जी, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, एच का वैल्यू 5 दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो एम है 10, जी है 10 और एच है क्या 5, तो 10 × 10 × 5 = 500 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 500 जूल हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्टोन ऑफ मास 2 केजी एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, परफेक्ट वैल्यू लेंगे जी का। तो मास हमारा 2 केजी है, हाइट 5 है और जी का वैल्यू 9.8 है। अब पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, तो 2 × 9.8 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 98 जूल होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग ऑफ वीट वेट 50 केजी, कैलकुलेटेड द हाइट टू विच इट शुड बी रेज सो दैट इट पोटेंशियल एनर्जी इज 5000 जूल। देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है 50 केजी, आपको हाइट निकालना है कि किस हाइट पे इसको रखा जाए, कितना एनर्जी पोजेस करे। तो जी का वैल्यू 10 दिया है, मास 50 केजी, पोटेंशियल एनर्जी 5000 जूल, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ, आपको एच निकालना है। ओके, तो चलिए एच निकालते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि पी ई का जो वैल्यू होता है पी इक्वल टू एम जी एच होता है, तो पी 5000 है, एम 50 है, जी क्या है 10 है, इंटू एच, तो ये 0 0 और ये 0 0 कट गया, ये 5 से ये 2 टाइम, ये 5 और ये 50 है, तो 10 टाइम कटेगा, तो एच का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर है, और आगे क्वेश्चन आप डील करना। ओके, थैंक यू सो मच।